सिस्टर से पूछा, वो कह रहे ये सब स्टाफ सोया हुआ था, नर्सें भी सोई हुई थी, लाइटें बंद करके सोई हुई थी सब। अली पार्क में किसी ने ना थड़े पे रखा हुआ था, उधर से मिल गया बच्चा, तो वो बच्चा हम जाके लेके आए शनाख्त करके, तो हमारा ही था। जराइम पेशा अफराद के लिए किसी को अगवा करने के बाद तावान हासिल करना सबसे आसान काम होता है। इस सिलसिले में ज्यादातर तो बच्चों को ही निशाना बनाया जाता है, चाहे वो नौमौलूद ही क्यों ना हो। अगवा की कुछ वारदातों में पुलिस की अदम दिलचस्पी की वजह से वर्सा की परेशानी न सिर्फ बढ़ जाती है, बल्कि अगवा शुदा शख्स की जान को भी खतरा होता है। अगर पुलिस अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दे तो बहुत सारे अगवा शुदा अफराद को बर वक्त बाजियाब भी करवाया जा सकता है। लाहौर के अस्पतालों से आए रोज नौमौलूद बच्चों के अगवा के वाकयात पेश आते रहते हैं। अस्पताल इंतजामिया हर वाकये के बाद सिक्योरिटी सख्त करने के दावे करती है, मगर फिर कोई ना कोई बच्चा अगवा हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया लाहौर के अस्पताल में पेश आया, जहां 4 दिन का बच्चा अगवा कर लिया गया। ये वाकया कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। बागबानपुरा के इलाके दारोगा वाला का रहायशी मोहम्मद साजिद 4 रोज कबल अपनी बीवी को लेडी विलिंगटन अस्पताल लाया, जहां उसके यहां बेटे की विलादत हुई। अल्लाह ताला की नेमत से पूरा घराना खुश था, मगर तीसरी रात जब मां अपने बेटे के साथ वार्ड में सो रही थी कि नामालूम अफराद बच्चे को अगवा करके ले गए। मां ने आँख खुलने पर बच्चे को वहां ना पाकर शोर मचा दिया, जिस पर उत्साह इकट्ठे हो गए और पुलिस को इतला कर दी गयी। 10-11 बजे के करीब इन्होंने बोला है की मरीज के साथ एक ही लेडीज रहे, तो आप सब चले जाओ। मैं चला गया हूँ 10-11 बजे के करीब, जाके मैं इधर मेरी खाला का घर है, मैं उधर सो गया हूँ। हम तो दरोगे वाले के रहायशी हैं, तो उधर जाना पॉसिबल था, आना भी बाद में, तो मैं इधर जाके सो गया हूँ। 2 बजे के करीब मुझे कॉल आई है कि बेटा इधर से गायब हो गया। मैंने आके सिस्टर से पूछा, सिस्टर बोल रही है मैंने 12 बजे के करीब ना बच्चे से खेल के मैंने इस मामा के साथ लिटा दिया, तो मैं सो गई हूँ। बाद में 2 बजे के करीब मेरी वाइफ की आँख खुली है, उन्होंने देखा बेटा गायब है। उन्होंने सिस्टर को बोला है कि बेटा गायब है। इधर उधर पूछा है कि वो स्टाफ से पूछा, स्टाफ बोलता है हमें नहीं मालूम, बत्ती लाइटें उन्होंने बुझा दी थी, और ये एक ही रास्ता है इधर से बाहर जाने का, ठीक है। तो ये स्टाफ की गलती है, स्टाफ हमको बोल रहा है कि आप जाओ, हम मैं इधर। ये कौन सा स्टाफ है, ये क्या का इनकी ड्यूटी है? ये सिस्टर से पूछा, वो कह रहे ये सब स्टाफ सोया हुआ था, नर्सें भी सोई हुई थी, लाइटें बंद करके सोई हुई थी सब। बच्चे के अगवा की इत्तला पाकर अस्पताल इंतजामिया भी वहां आ गई, सीसीटीवी कैमरों की मदद से चेकिंग की गई, मगर बच्चे का कोई सुराग ना मिला। इसमें ये कह रहे रात को 2:30 बजे हमें 15 की कॉल रिसीव हुई कि बच्चा जो है लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल से जो है अगवा हुआ है, ठीक है। उस पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उस पर हमने FIR रजिस्टर कर ली है 212/15। वो लोग परेशान भी हैं और जायज़ परेशान हैं, हमारे लिए खुद बड़ी परेशानी की बात है। हमारी 85 साल की हिस्ट्री में कहीं रिकॉर्ड पे अगर कभी बच्चा किसी ने स्नैच करने की कोशिश की भी है तो वो हमारे सिस्टम ने उसको हमेशा पकड़ लिया। लाया अमल है कि हमने सारा अस्पताल आपके सामने ही है, वो पहले सील किया। हम सबसे पहले कोशिश करें कि एक एक चप्पा देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने ये बच्चा अगर किसी जगह रखा हुआ है कि ये जरा सी जरा जिस वक्त हमारा चौकन्ना हटता है तो वो कहीं लेके ना निकले। तो अभी इस ये जिस तरह हमने किया हुआ है सब कुछ बंद, इसमें से तो नहीं निकल सकते। बुरसा ने बच्चे के अगवा पर एहतजाज शुरू कर दिया और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, जिस दौरान उनकी अस्पताल के अमले के साथ तलख कलामी और खेंचातानी भी हुई। अस्पताल इंतजामिया, पुलिस और बच्चे के लवाहिकीन बच्चे को तलाश कर रहे थे और वो इंतहाई ड्रामाई अंदाज में मिल भी गया, मगर कैसे आप भी देखिए। पुलिस ने अस्पताल के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को वायरलेस पर इत्तला मिली कि करीबी बादी अली पारा के एक फुटपाथ से नौमौलूद बच्चा मिला है, जिस पर पुलिस वर्सा को लेकर वहां पहुंची तो वो बच्चा मोहम्मद साजिद का ही था। बच्चे के मिलने पर वर्सा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। बच्चा रात को गुम हुआ है ना 2 बजे के करीब, तो हमने इधर ढूंढना शुरू किया, नहीं ढूंढा हॉस्पिटल में। बाद में वो 15 पर कॉल भी की तो पुलिस आ गई, उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की और उधर से ना पुलिस वाले ने किसी ने फ़ोन किया कि अली पार्क में से बच्चा मिल गया, अली पार्क में किसी ने ना थड़े पे रखा हुआ था,
उधर से मिल गया बच्चा, तो वो बच्चा हम जाके लेके आए शनाख्त करके, तो हमारा ही था। बस शुक्र है अल्लाह पाक का ये दोबारा मिल गया हमको, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। बस हमें किसी से शिकायत नहीं है, बस ठीक है। अल्लाह पाक सबको, सबके बच्चे अपने हिफाजत में रखे। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे के अगवा में कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है, जिसने पकड़े जाने के डर से बच्चे को वहां छोड़ दिया। हमें सुबह को एक कॉल रिसीव होती है कि एक बच्चा जो है वो मिला है अली पार्क से, उसको हम लेकर आए, हमने उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो गई। उसमें ये हुआ कि बच्चों के पेरेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया था हॉस्पिटल इंतज़ामिया पे कि वो इन्वॉल्व हैं इसके अगवा में, जबकि हस्पताल इंतज़ामिया ने ये कहा कि नहीं जी, इनके जो पेरेंट्स हैं या इनके जो रिलेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसको अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनके हमने नंबर्स लेकर CDRs मंगवा ली हुई हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। क्योंकि रात को जितनी कॉल्स हमें रिसीव होंगी, जिन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन की होगी, तो उसके बाद हमें क्लियर होगा कि कौन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है हॉस्पिटल में, उसकी हमने रिकॉर्डिंग ले ली है, उसको हम चेक कर रहे हैं। 2 घंटे की अभी तक हम देख चुके हैं, उसमें अभी तक हमें कोई खास ऐसा क्लू नहीं मिला। जितने लोग यहाँ पर ड्यूटी पे थे, ड्यूटी रोस्टर हमने ले लिया है, उस सबको हम चेक कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे इंटरोगेशन की जा रही है, उनको इन्वेस्टिगेशन में हमने ले लिया है, उस सबको हम चेक करें। जैसे ही हमें कोई क्लू मिलेगा, उसके बाद हम अपनी जो भी फाइंडिंग होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाजियाब होने वाले बच्चे के वर्सा और दीगर अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पतालों से बच्चों के अगवा की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी के एक शहरी को 3 माह कबल अगवा किया गया, लेकिन पुलिस उसके अगवा की FIR दर्ज करने से इनकार कर रही है। पुलिस के इस रवैये की आखिर क्या वजह है, आइए देखते हैं। दमकिया में फोन कॉल आने के अगले दिन घर का सरबरा गायब हो गया। 3 माह गुजरने के बावजूद भी कुछ पता न चला और FIR भी दर्ज ना हो सकी। हाँ, ये दर्द भरी दास्तान है रावलपिंडी में थाना पीर वधाई के इलाके में रिहाइश पजीर अमीर अफजल की, जिसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और 3 माह बाद भी उसके बारे में कोई इतला ना मिलने पर अहले खाना की परेशानियों में इजाफा हो गया है। 2 बच्चियां और 2 बेटे हैं और एक बीवी है जो किराए पर रहते हैं, उनका गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। किराया भी सिर पे आ गया और बच्चों की फीसें भी और ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीसें भी सिर पे आ गई। तब मेरे अपने 6-7 बच्चे बचे, मैं उनको भी कुछ नहीं दे सकता। अगवाशुदा नौजवान के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस उनके केस में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। हमने उनको नंबर दिया है, ये नंबर है, इस नंबर से हमें धमकी आई है, हमारा बंदा गायब है, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह बेहतर करेगा, आप चले जाएं, हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं परसों आओ, ऐसे चोर साहब है, वो पर्चा काट रहे नहीं है। मीर अफजल की अहलिया का कहना है कि उसके शोहर के ना होने से उन पर गम और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। 5-6 महीने की 3 तारीख थी, वो घर से गए, कह के गए मैं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है। शाम को तकरीबन 1-1.5 बजे मैंने उनको कॉल किए, नंबर बंद जा रहे थे। शाम तक मैं इंतज़ार करती रही हूँ, मगर 11-12 बजे उनका रूटीन था आने के घर में, वो नहीं आए। 2 तारीख को मेरे नंबर पर कॉल आई थी, 5 लाख का बंदोबस्त करें, अपने मियाँ और बच्चों की सेफ्टी चाहती हैं। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन मेरा मियाँ अगवा हुआ, उसके बाद फिर कॉल आई दोबारा 1:30 बजे, फिर कॉल आई पैसों का बंदोबस्त किए या नहीं किए। बस 3 माह होने वाले हैं, तीसरा शुरू हो गया, किराया भी देना है, मालिक मकान का बिजली के बिल भी देनी है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और बच्चे भी परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ मियाँ की वजह से। मेरी सिस्टर काम करती है, उसके साथ में खाना पीना करते हैं। अमीर अफजल के इखवा ने सारे घर के साथ उसके बच्चों को भी दुखी कर दिया है। उसकी बेटी उसे याद करके रोती रहती है। अगवाशुदा अमीर अफजल की बेटी का कहना है कि उसे उसके वालिद बहुत याद आते हैं, वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बस हमें अपने अब्बू ने कभी परेशानी का सामना करने का मौका नहीं दिया, जितनी मर्जी वो टेंशन में हमने जो चीज़ मांगी हमें जरूरत जिंदगी पूरी करके उन्होंने दी है। लेकिन अब मसला ये है कि मेरे बहन भाई पढ़ते हैं, तो मेरी अम्मी ने ना फीस दे सकी है ना कुछ कर सके, हटाया नहीं है, लेकिन स्कूल वालों से बात की है कि हम कुछ महीने तक दे देंगे।
स्कूल वालों ने ये बात किया कि अगर हमने इस महीने फीस ना दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। रब्ता करने पर पुलिस ने अपना मौकफ देते हुए कहा कि तफ्तीश जारी है, लेकिन उनको ये मामला खुद साख्ता लगता है। ये सब मुकदमा इस तरह है कि 208/10 मुर्गा 10-1-10 मजरूम 300 पेट, ये पहले भी मीर अफजल ने अपने भाई को लैंड देने के सिलसिले में अगवा किया था। वो 8 महीने के बाद लाहौर लंडा फरोख कर रहा था, लाहौर से पुलिस लेकर आई थी। 8 माह के बाद वो बरामद हुआ था लाहौर से। वो हम लेकर आए थे पुलिस, वो अखराज रिपोर्ट बनी थी। इनका आपस में एक ही कबीले के लोग हैं, इनका जमीन का तनाजा चल रहा है आपस में। अमीर अफजल के अहले खाना का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि उनके प्यारे को जल्द अज जल्द उनसे मिलाने के लिए पुलिस पर मुअस्सर इकदाम के लिए दबाव डाला जाए। मीर अफजल के अहले खाना ने पुलिस का मौकफ रद्द करते हुए मुतालबा किया है कि उनके प्यारे को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए और अगर वो किसी भी गैर कानूनी इकदाम में मुलवस पाया जाए तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा इस्लामाबाद। अमीर अफजल को किसने अगवा किया और उसके साथ क्या गुजरी, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जराइम पेशा अफराद के सताए हुए लोग दाद रसी के लिए पुलिस के पास जाते हैं, मगर उनकी मदद करने के बजाय उन्हें हवालात में बंद कर दिया जाता है। लाहौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब बेटे के अगवा के खिलाफ एहतजाज करने वाला बाप और अहले इलाका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसा किन हालात में हुआ, आइए जानते हैं। शाहदरा का रहायशी 15 साल फुरकान इतवार की सुबह घर से निकला और फिर वापस न आया। उसे हर जगह तलाश करने के बाद बुरसा ने थाना शाहदरा में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया। बच्चा मेरा जो है ना सुबह 9 बजे गया है घर से, मैं टमाटर और रस लेने के लिए, रस उसने लिए, मैंने पता किया बेकरी से रस लिए, रस के बाद बच्चे का कोई पता नहीं। बच्चा हम 10 बजे तक वेट करते रहे, बच्चा नहीं आया। फिर जब मैं थाने आया हूँ, थाने वालों को मैंने पूछा कि सर ऐसे करके मेरा बच्चा घर से निकला, कोई एक्सीडेंट या कोई आप पकड़ के लेके आए आवारागर्दी में। इन्होंने कहा कि हमने गवाह किया, जब भाग जाओ यहाँ से। इन्होंने मुझे मारा, ठीक है, फिर मैं आ गया हूँ। बुरसा और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मेन रोड ब्लॉक करके नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर फुरकान के वालिद और दीगर मुजाहिदीन को हिरासत में ले लिया। आगे मैंने रोड ब्लॉक किया, फिर ये लोग आए हैं, इन्होंने हमारी औरतों को, हमें, हमारी औरतों को और हमें मारा है। ये देखो, ये देखो मारा है हमें। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, पुलिस वालों ने बात नहीं सुनी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफीक है। क्या थाने में कम्प्लेन करवाने नहीं आते जिन माओं के बच्चे 15 साल के अगवा हो जाएं? क्या हुआ कि फिर आपको क्या किया है? हमने सड़क ब्लॉक की कि हमारा बच्चे के लिए कुछ किया जाए। इन्होंने डंडे लेके हमारे औरतों को, बंदों को इन्होंने डंडे मारे हैं। खड़े से लैन बना के खड़े सी ना, उतो आए ने, इन्होंने सारे ते डंडे चलाए ने, 5 बंदे ने सब तो डंडे चलाए ने। बल्कि मैं जो छुटांदी पहले मेरे इथे वजन लगे, मैं बाजू पीछे कर ले, मुड़ के मेरे ना कमर च इन्हों का डंडा वजे। बंदा मुलाजम अंदरों आया, उन्हें गुत फड़ के इंज करके सुट के बीबिया नु, बीबी जड़ी उन्हें भी मारिया, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕੇ ਨੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਮੇ ਲੀਏ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਈਏ ਜਾਣਦੇ। इस पुलिस
दहशतगर्दी के खिलाफ अहले इलाका मुश्तइल हो गए। उन्होंने थाने का घेराव करके नारेबाजी शुरू कर दी और गिरफ्तार अफराद को फौरी रहा करने का मुतालबा किया, जिस पर आला पुलिस हुकाम मौके पर आ गए और उन्होंने हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करवा दिया और फुरकान के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। ऐसा कोई वाकया नहीं है, सुबह इनका बच्चा घर से सब्जी लेने गया और एक घंटा दो इन्होंने इंतजार किया, वो नहीं आया। ये थाना शाहदरा में तशरीफ लाए हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसके बाद जो बीट अफसर है वो मौका पर गया, इस दौरान इन्होंने महसूस किया शायद इनकी कार्रवाई लेट हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, डीएसपी साहब के हुक्म से मैंने उनको इन्फॉर्म किया है, FIR इनकी हो चुकी है जिसका नंबर 1236 है 365 में। टीमें तशकील दे दी गई हैं जिनकी तलाश जारी है, इंशाल्लाह जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि रोड ब्लॉक हुआ हुआ था, दूसरे लोग काफ़ी मिक्सअप थे, ट्रैफिक ब्लॉक थी, इसलिए उनको खुलवाने में शायद कोई ऐसी बात हुई है दूसरे लोगों के साथ, पुलिस की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। फुरकान के वर्षा रहले इलाका का कहना है कि चंद माह के दौरान शाहदरा से तीन लड़के अगवा हो चुके हैं, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। उन्होंने मुतालबा किया है कि फुरकान को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में दो दिन कबल फ्लैट से एक कमसिन बच्चे और तीन खवातीन की कई रोज पुरानी लाशें मिली थी। इस केस में अब तक क्या पेशरफ हुई है और मरने वाले कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। कराची के इलाके थाना सचिल की हुदूद अबुल हसन असवानी रोड पर वाकया एक प्लाजा के फ्लैट से हफ्ते की शाम को बच्चे और तीन खवातीन की लाशें बरामद हुई, जिनकी शनाख्त हसीना, तबस्सुम और आलिया के नामों से हुई, मगर मरने वाले चार साल बच्चे का नाम मालूम न हो सका। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों की जानिब से पुलिस को फ्लैट से तआफ़ुन उठने पर इत्तला दी गई थी, जिसके बाद फ्लैट से चार लाशों को बरामद किया गया जो एक हफ्ते से जायद पुरानी थी। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि चारों को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। मक्तूलीन के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशानात हैं, तहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। पुलिस ज़राए का कहना है कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाख़साना मालूम होता है और एडिशनल IG कराची ने अफसोसनाक वाक्य की तहकीकात के लिए SSP मलीर और SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तश्कील दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मस्कूरा फ्लैट असीना नामी खातून का था, जिसे उसके शौहर ने चार साल पहले तलाक दे दी थी और वो इस फ्लैट में अपने बेटे के साथ रह रही थी और उसने ये फ्लैट 6 से 8 माह कबल दो खवातीन को किराए पर दिया था। पुलिस अभी तक कत्ल के मुहर्रिकात नहीं जान पाई और न ही कातिल तक पहुँच सकी है। तमाम हुकाम को शुबा है कि ये वाकया दुश्मनी की बिना पर पेश आया है और पुलिस का दावा है कि वो कातिलों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में चार अफराद के कत्ल की ये वारदात ना जाने दहशत गर्दी है या ज्याती दुश्मनी है, मगर दोनों सूरतों में दुख की बात है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रबता करना चाहते हैं तो हमारा पता है csatsama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रबता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।